बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप देख रहे हैं जनरल मेंटोर टीवी। वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम प्राइम टाइम विद इश्फाक मुश्ताक में। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि बहुत ही नामवर पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान की नंबर 1 ड्रेसिंग मेंटोर, इमेज एंड पर्सनैलिटी कंसल्टेंट, जो कि इस शोबे में अपने 25 साल खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इंटरनेशनल दुनिया भर में तकरीबन 50,000 से जायद मेल फीमेल नामवर शख्सियात को की रहनुमाई कर चुके हैं ड्रेसिंग के हवाले से। तो आज का हमारा सेशन भी यही है, ड्रेस टू सक्सेस, उसी पर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम विश्वास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और इंशाल्लाह वी आर गोना हैव अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सर। आज जो हम बात करेंगे, जो हम स्टार्ट लेते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, के लिबास की इस्लाम में क्या अहमियत है और इसके क्या अहकामात दिए गए हैं, सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी जी गुफ्तगू का सर। आगाज जो इस्लाम से कर रहे हैं। इस्लाम ने जो लिबास के बारे में क्या अहकामात दिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बिल्कुल नथिंग इज बेटर देन इस स्टार्ट से ये बेस्ट हमारी इंशाल्लाह ओपनिंग होगी। तो इस्लाम में माशाल्लाह। देखिए दो अल्लाह ताला ने दो अहकामात दिए हैं। एक जो आयत है उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लिबास है, लिबास मेरी पहचानों में से एक पहचान है। बिल्कुल अच्छा, अब अगर सोचें, गौर करें कि पहचान अल्लाह की कैसे बन गई लिबास, तो थोड़ा समझने में मुश्किल है। लेकिन अगर हम तशरीह में जाते हैं तो उलमा जो एक्सप्लेन करते हैं उसका मतलब ये है कि जो चीज अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में डाल दी है वो उसकी बिल्कुल पहचान है। बिल्कुल मसलन जमीर है, जमीर जो है वो हमें बता देता है क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। तो जमीर बिल्कुल हमारा जो है वो एक मीटर लगा हुआ है जो हमें बता देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लिबास है वो भी हमारी फितरत में है। जो ही बिल्कुल लिबास उतरा जन्नत में तो उसी वक्त जो है था कि उनको एहसास हो गया कि आदम और हव्वा को कि ये हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फितरत में है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने ठीक लिबास पहना है, ये गलत लिबास पहना है, ये हमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। एक तो एक आयत तो ये है। दूसरी आयत जो बड़ी प्रोफाउंड है और कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिबास के तीन मकासद हैं। पहला मकसद जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो है कि सतर ढांपना। अच्छा, अब बिल्कुल सतर ढांपने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर कर दी है कि औरतों ने क्या करना है और मर्दों ने क्या करना है। लिबास बिल्कुल कैसे आपने सतर बिल्कुल डांप, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई ऐसा पाकिस्तान में मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि सतर कैसे डांपते हैं। तो मेरे ख्याल इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। तो दूसरा एग्जैक्टली जो मकसद है अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो है इंसान की हिफाजत के लिए लिबास को बनाया गया है। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी मखलूक से बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने आप को महफूज रखें और हम अपने आप को हर्ट ना करें, अपने जिस्म को हर्ट ना करें। तो इसलिए इसमें बताया गया कि गर्मी में क्या पहनना है, आपने लिबास बनाया गया, सर्दी में क्या पहनना है, इसके बाद आपने तूफान में क्या पहनना है, बारिश में क्या पहनना है, अगर आप आर्मी में हैं, जंग में हैं, तो उस हालत में आपने कौन सा लिबास पहनना है। ऑब्वियसली वहां टू पीस सूट तो नहीं पहना जा सकता ना। तो अल्लाह ताला ने इसलिए लिबास की ये अहमियत रखी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन तीसरा मकसद जो सबसे अहम है और जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन बेस करती है आज, वो ये है कि अल्लाह ताला ने लिबास बनाया है जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए। अच्छा, अब ये क्यों है ऐसे? इसलिए है कि अल्लाह ताला खुद बड़े खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक बड़ी खूबसूरत बनाई है। हम बाहर निकलते हैं क्या देखते हैं, हम देखते हैं आसमान, आसमान कितना खूबसूरत है, हम देखते हैं समुंदर, समुंदर कितना खूबसूरत है, हम फूल देखते हैं वो कितने खूबसूरत है।
इसके अलावा हम जंगल में चले जाएं तो आप देख ले खिजा में कितने खूबसूरती है। खूबसूरती जो है अल्लाह ताला ने, यू नो अल्लाह ताला इज द बेस्ट डिजाइनर इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने हर चीज खूबसूरत पैदा की है। इसलिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम भी खूबसूरत लगें, और लिबास हमारा जो है वो हमारी खूबसूरती का जरिया बनता है। लफ्ज जो यूज किया गया है उसमें लफ्ज है रीश का। रीश का मतलब है परिंदे के पर। अच्छा, परिंदे के पर अगर हम देखें गौर से कितने खूबसूरत होते हैं, बेशुमार कलर्स हैं उसमें। अच्छा, वही पर जो है वो उसकी खूबसूरती का जरिया बनते हैं, वही पर जो है वो उसकी प्रोटेक्शन का भी जरिया बनते हैं, क्योंकि उसके लिए लिबास कोई नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करने वाली बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिस जीनत हो, खूबसूरती हो, लेकिन साथ में एक कैवियट भी दे दिया, एक कॉशन भी दे दी बंदे को। वो क्या है भला? आपने खूबसूरत लगना है, आपने अच्छा लगना है, लेकिन आपके अंदर तकब्बर नहीं आना चाहिए। यानी कि आप अगर लिबास पहन के आपकी नाक ऊपर हो जाती है, आप लोगों को पुट डाउन करते हैं, आप समझते हैं कि आप किसी डिफरेंट प्लेनेट से हैं, तो उसमें आ जाएगा तकब्बर, और तकब्बर जो है वो सब चीज को खा जाता है। और यकीन करें, मैंने जैसे आपने मेंशन किया अपने तारफ में कि मतलब अमेरिका में मैंने 50,000 मेन एंड वेमेन जो है उनको ड्रेसअप किया है, और आपको मैं वसूख से कह सकता हूं कि जिन लोगों के अंदर तकब्बर था, लिबास उनकी हेल्प नहीं कर सका, गो डाउन।